ये वाकयात बड़ी कसर से मिलते हैं कि औलिया अल्लाह जो है खाने को देख के बता देते हैं कि इसमें नूर है या नहीं है, या ये हलाल ज़राए से आया या हराम ज़राए से। तो हज़रत ये कैसे होता है अल्लाह वालों के साथ? ये जैसे आप डॉक्टर लोग दवाई देख के बता देते हैं फ़ौरन, जब ये दवाई देखते आपके, हाँ ये फलाम का फेमिलियर है, ये उसकी सिस्टर है, वो आपको सारी पूरी सिबलिंग पता लग जाते हैं। जी बिल्कुल। तो क्योंकि ऐसे कोड होते हैं वो आप फौरन पहचान जाते हैं। जी जी। वो कोड देखा पीछे फौरन सब कुछ पता चल गया। जी। है अब टूथपेस्ट मिली उसकी वजह ब्लू लाइन लगी तो कहता अच्छा ये मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छी बनी हुई है, रेड लगी हुई तो क्या ये मतलब, ग्रीन लगी तो ये मतलब, तो देखते पहचान जाते हैं। तो असल में तो रूहानी तौर पे अल्लाह तबारक व ताला वो उनको एक दिल की एक ऐसी आंख उनकी खोल देते हैं। अल्लाह वो दिल की आंख जो खोलते हैं तो वो जब देखते हैं तो बजाय इस आंख से देख रहे होते लेकिन असल में वो दिल की आंख देख रही होती। अल्लाह देखते ही उनको वो कोड नजर आ जाता है, वो कह देते कि ये सुभान। बल्कि बड़ी दिलचस्प बात याद आ गई इस पर, अल्लामा अनवर शाह कश्मीरी रहमतुल्लाह अलैह ऐसा बड़ा मुहद्दिस गुजरा है दारुल दियोबंद का कि हजार साल में ऐसा मुहद्दिस गुजरा नहीं, जो जब 10 लाख हदीसों का हाफिज और कोई बात पढ़ ले तो 40-40 साल तक नहीं भूलती, ऐसा हाफजा उनका। तो अल्लामा इकबाल उनसे बड़े मुतासर थे, शायर मशरक हमारे अल्लामा इकबाल, और वो कभी कभी उनके पास जाते थे। बल्कि अल्लामा इकबाल जो है उन्होंने खत्मे नबूत का मसला समझा ही उन्हीं से। अच्छा। वरना आपको पता अल्लामा इकबाल जो है मरहूम, ये भी किसी एक दर्जे में खत्मे नबूत के हवाले से मिर्जा कादियानी के फितरे के हवाले से थोड़ा सा उससे मुतासर हो गए थे। अल्लामा अनवर शाह कश्मीर रहमतुल्लाह अलैह के पास तालिबे इल्म के दौर से जाते थे। अच्छा। तो अल्लामा अनवर शाह कश्मीर रहमतुल्लाह अलैह ने इनकी तरबियत की। अच्छा। और ये हकायक खोले कि खत्मे नबूत का अकीदा है क्या। तो ये अल्लामा इकबाल जाता था और जाहिर है कि ये भी जौक, इसको भी इल्म का जौक था और बहुत बड़े शायर थे और एक रूहानियत के साथ भी ताल्लुक था। लिहाजा अल्लामा इकबाल कहते हैं मेरे पीर मुर्शद अल्लामा रूमी, अल्लामा रूमी को पीर मुर्शद मानते हैं वो। बिल्कुल। एक दिन शाह साहब के साथ बैठे बातें कर रहे तो कहने लगे कि हजरत ये क्या बात है, आपके सामने कोई हदीस बयान की जाती है, हदीस सुनते ही आप उसका जवाब दे देते कि हदीस सही है या सही नहीं है। जी। या ये आपको उलूम इतने मुस्ताजर है कि सुनते ही जवाब दे देते, सुभान अल्लाह क्या वजह है? तो अल्लामा अनवर शाह कश्मीर रहमतुल्लाह अलैह मुस्कराए, फरमाया कि इल्म का जवाब दूं या दिल का जवाब दूं। अब ये शायर आदमी था, इसने कहा जी इल्म का जवाब तो छोड़िए, दिल की बात बताए, सुभान अल्लाह दिल की बात बताए, इल्म की बातें तो सुनी हुई है। तो हजरत शाह साहब ने फरमाया कहा कि ये रब्बे काबा की कसम, जब कोई रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मेरे सामने बयान करता है तो अगर वो हदीस सही होती है तो मुझे रसूलुल्लाह की खुशबू आने लगती है। अल्लाह अकबर। यानी आपके जबान मुबारक से अल्फाज निकले हुजूर के तो खुशबूदार, तो अब मुझे हुजूर पाक की खुशबू आने लगती है, उस खुशबू को सूंघते ही मैं कह देता हूँ जब वो पढ़ रहा होता है, मैं कहता हूँ हदीस सही है, और जब वो खुशबू नहीं आती तो मैं कहता भाई हदीस सही नहीं, तहकीक कर लो। अब ये बात है, अब ये देखो ये अल्लाह ने उनको ऐसी बसीरत की निगाह दे दी है, ऐसी पाकीजा कर दी रूह कि हदीस सुनते ही उनको गोया के रसूलुल्लाह की खुशबू अनफाज कुदसिया की आने लगती है और सुनते ही कहते कि हदीस सही है। अल्लाह अकबर। तो ये बात है, तो इस तरीके से अल्लाह ताला उनकी बसीरत उनको दे देते हैं और उनको वो रूहानी कोडवर्ड पता लग जाता है देखते ही, और बता देते हैं कि हलाल है कि हराम है। माशाल्लाह।